तो बेटा जी हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं 5.7 की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमें जो कहा गया है वो क्या है, व्हाट विल बी द प्रेशर एग्जिटेड बाई ए मिक्सचर ऑफ 3.2 ऑफ मीथेन एंड 4.4 ग्राम कंटेंट 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कंटेंट इन ए 9 EM³ फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जी बात कर लेते हैं, पहले लिखते हैं D1 डैट, हाँ है ना, क्या लिखते हैं D1 डैट। तो बेटा जी इसमें हमें पूछा क्या है, P पूछा है, जबकि इसमें कहा गया है मिक्सचर है। तो M1 कितना है 3.2, M2 4.4, ये 1 उसके लिए, इसके लिए मीथेन के लिए, तो किसके लिए है सी। अच्छा, और कहा गया कि जो वॉल्यूम है वो कितना है 9 DM², तो R कितना हुआ यहाँ पे, R हुआ 8.314 10 की पावर 3 DM³, कितना हुआ DM³ पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें हम यहाँ एक चीज़ कर लूँ, अगर M1 और M2 की बात कर लूँ तो 44 ग्राम हुआ CO2 का, और इसका कितना हुआ 16 हुआ, कितना हुआ 16। चलो तो अब मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों के मोल्स को, यानी कि मैं फॉर्मूला लगाऊँ, मेरे पास पी है, वी है, आर है, एन है, और टी भी तो है, कितना 27 डिग्री, मतलब कि 300 केल्विन, क्लियर है या नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जो पी वी इज इक्वल टू NRT होता है, हाँ है ना, इस पी वी में N1 प्लस N2 यानी कि मीथेन के प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दूँगा, क्या कर दूंगा नंबर ऑफ मोल्स को ऐड। तो मेरे पास पी कितना है बेटा जी, पी तो पूछा ही है, वी कितना है 9, N1 कितना है, N1 है मेरे पास 32.1 अपॉन मोलिकुलर मास 6 प्लस 4.4 अपॉन 44 अप इंटू आर 8.314 इंटू 10 की पावर 4 10 की पावर 3 कितना है 3 × 300, हाँ है ना। तो भैया जी पी इज इक्वल पी इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी कि 2 से गया 1 10 कितना गया 2, क्लियर है या नहीं है भाई, 16 × 32 होता है ना, तो 0.2 हो गया। अब ये कितना आ गया 1/10.1 है ना, तो कितना हो गया ये 8.314 10 की पावर 5 × 3 p.3 अपॉन के 9 8.31 10 की पावर 3 × 3 ये नीचे गया 30 10 10 से ये गया 4, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया कितना 10 की पावर 4 पास का, क्लियर है या नहीं है, ये मेरा आंसर है, समझ में आया या नहीं आया उतार।